आईफा अवार्ड्स 2024 अबू धाबी में चल रहा है। इस अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड के तमाम सितारे शामिल हुए। अवार्ड फंक्शन में सेलेब्स ने जमकर मस्ती की। सेलेब्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। आईफा अवार्ड के विनर्स की लिस्ट सामने आ चुकी है। बॉबी देओल को फिल्म एनिमल के बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला है। फिल्म में बॉबी ने अबरार काजी का शानदार किरदार निभाया था। फिल्म में उनके काम की फैंस से लेकर सेलेब्स तक ने तारीफ की थी। एनिमल ने बॉबी को इंडस्ट्री का पावरफुल विलेन बना दिया। एनिमल के बाद उन्हें कई बिग बजट प्रोजेक्ट के लिए साइन किया गया है। आईफा अवार्ड से बॉबी का पत्नी के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बॉबी अवार्ड लेने से पहले अपनी पत्नी तान्या को किस करते हैं। कपल का लिपलॉक वीडियो वायरल हो रहा है। एक्टर स्टेज पर अवार्ड लेते समय काफी इमोशन हो गए। फैंस बॉबी को अवार्ड मिलने से बेहद खुश है। स्टेज पर विनिंग स्पीच देने के बाद बॉबी जमाल कुडू पर ग्लास के साथ डांस स्टेप करते हैं। बॉबी के साथ स्टेज पर फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा भी नजर आते हैं। एनिमल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। वहीं शाहरुख खान को जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि शाहरुख नहीं रणबीर कपूर या फिर विक्रांत मैसी को ये अवार्ड मिलना चाहिए। वहीं बॉबी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर सूर्या के साथ फिल्म कंगवा में नजर आएंगे। कंगवा में एक्टर विलेन के रोल में दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।